धर्मदास साहब के विचार हैं, सतगुरु जी माने दीनी अमर जड़ी। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश एमपी के रहने वाले सतगुरु कबीर साहब के अनन्य शिष्य हुए, जुड़ामन नाम से धनी धर्मदास साहेब बने। अपने जीवन में बहुत संपत्ति इकट्ठी की, तीर्थ व्रत की यात्राएं भी खूब की। आत्मतत्व का भेद नहीं मिलने के कारण उदासी लिए तीर्थ करते हुए वृंदावन में श्री कृष्ण महाराज को खुश करने के लिए खिचड़ी बनाते थे। खिचड़ी में जब चींटियां जल गई, यानी जो चूल्हे में जो लकड़ी देते थे कहीं छेद में चींटियां रह गई, जब उनकी नजर पड़ी कि इस लकड़ी के अंदर चींटियां हैं, तो उनका स्वभाव बहुत दयालु था, रो पड़े। आज भगवान की प्राप्ति के लिए मैं वृंदावन आया और पुण्य की प्राप्ति के लिए आया और उल्टा पाप हो गया, तो इस प्रकार दुखी होकर के धर्मदास साहब उस खिचड़ी को परोस करके थाली में किसी संत फकीर को देने के लिए निकले। और जब संत फकीर कोई मिले तो वो सतगुरु कबीर साहब जिंदा बाबा के रूप में पेड़ के नीचे बैठे मिले। बातें बंद करिए, तो वहां पर जाकर सहज संत समझकर जिंदा बाबा रूप में जो सतगुरु कबीर साहब राजे थे, थाली सामने रखकर हाथ जोड़कर बोले कि संत जी आज का प्रसाद मेरी तरफ से भोजन करें। तब सतगुरु कबीर साहब पल खोलते हैं, पहचान लेते हैं जुड़ामन जी, आवाज तो सब जगह आया करें। तो सेठ जी ये जो थाली है यहाँ क्यों रखी? बोले ये आपके लिए भोजन। साहेब बोले नहीं, ये भोजन जब आप बनाते थे उसमें एक लकड़ी में आपने चींटियां देखी और वो चींटियां जलने के कारण आपके मन में चिंता है, आपने भगवान को भोग भी नहीं लगाया और सीधा किसी संत फकीर को जिमाने के लिए परोसने के लिए आप चल पड़े और मैं मिल गया आपको। ये पापिष्ट भोजन है। ये भोजन कैसा है? पापिष्ट है। ये भोजन किसी संत गुरु को नहीं खिलाना चाहिए। आप बहुत पापी हो गए हैं, आपने ध्यान नहीं दिया, लकड़ी में चींटियां थी वो जल गई, लाखों चींटियां जल गई। तो वो धर्मदास साहब बोले आपको कैसे पता चल गया? तो मेरे को तो पता है, तभी तो मैं कह रहा हूं। उसमें या भर आया, रोने लगे धर्मदास जी जो जुड़ामन सेठ थे, रोने लगे, सतगुरु के चरण पकड़ लिए कि अब कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि यह पाप हमारा खत्म हो जाए, मिट जाए। सतगुरु बोले मेरे आंखों के सामने रख दो, विनती करो, प्रार्थना करो, अभी आपको पता चलेगा। थोड़ी देर से देखते हैं अद्भुत चमत्कार हुआ। कई लोग चमत्कार को नहीं मानते और कई लोग चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं।
तो वो सतगुरु चमत्कार किए तो जितनी चीटियां जली थी वो लाइन से लाइन उधर से आती नजर आ रही हैं। और खिचड़ी के अंदर तो होते हैं चावल होते हैं, मूंग की दाल होती है, वो सब दानों को ले जा रही हैं चीटियां, उनको दिखाई दे रहा है। जितनी चीटियां जली हैं वो सारी की सारी लाखों चीटियां पता नहीं कहां से प्रकट होके आ रही हैं और उसको ले जा रही हैं। तो साहिब ने कहा कि जो चीटियां आपने जलाई उसको मैंने सजीवित कर दी, ये चीटियां सारी सजीवित हो रही हैं, जा रही हैं, अब आपको कोई पाप नहीं लगेगा। और इसी प्रकार जन्म जन्म के पाप मिटाना चाहते हो तो आत्मज्ञान से जुड़ो, आत्मज्ञान से जुड़ो, सतगुरु भक्ति से जुड़ो, नी अक्षर नाम से जुड़ो, जो मुख से बोला नहीं जाता है, मन वाणी यहां पहुंच नहीं सकती, नी अक्षर जो सत्य है उससे जुड़ो, उसको बताने के लिए मैं संसार में प्रकट हुआ। तो धर्मदास जी को उसी दिन से सतगुरु पर विश्वास हुआ, तब वो सारी सत्संगें छोड़ करके शांत रहो, अभी देख लेंगे, हमारी कला चलने दो पहले। तो इस प्रकार वहां पे वार्तालाप हुई, बिना वार्तालाप बिना संगोष्ठी ज्ञान होता नहीं। अभी आप कथा सुनेंगे, अभी आप जो सुनेंगे इसमें आपको बहुत शंका होगी, क्योंकि कान सुनते हैं पर मन को शंका होती है, ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कहां हुआ। मन भ्रम मेटे तो ब्रह्म प्रकाश से, जिनके मन की संशय खत्म हो जाती है, मन का भ्रम मिट जाता है, उसी के घट में ब्रह्म का प्रकाश होता है, बाकी लोगों के नहीं होता। मन भ्रम मिटे तो ब्रह्म प्रकाश से ऊपर का जांचा कि जो बाबा जी कह रहे हैं सत्य है कि असत्य है। आप भी 500 के नोट को परखाते हो, 1000 के नोटों को अभी फेल हो रहे, अभी नए आने वाले, तो कोई आंख मूंद के नहीं लेता, अभी सबको पता चल गया है। तो इसी प्रकार से शिष्य धर्मदास जी सतगुरु कबीर साहब के आत्मज्ञान को, नी अक्षर सत नाम के ज्ञान को परख कर लेते हैं, शिष्य बना परीक्षा करके, शिष्य बना परीक्षा करके, लगनी का मार्ग और लगी चोट कलेजे करके, कौन परखते हैं, बिरला बिरला बिरला, कोई कोई हम जला हम घर जालिया आपका लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जाले और का जो चले हमारे साथ। कबीर साहब ने कहा, कबीर साहब ने कहा कि हम तो हमारे घर बार सब जला के आए हैं और तुम्हें भी अपना घर बार जलाना हो तो मेरा साथ करो। तो शंका हो गई, संत तो घर मंडवाते हैं और संत कैसे घर जला सकते हैं, तो सदगुरु की भाषा को विवेकी समझते हैं, हम घर जाड़िया अपना, अपना मतलब मन में जो काम क्रोध लोभ अहंकार छल कपट ईर्ष्या राग द्वेष ये सब, ये कुमती का घर है, सुमती का घर नहीं है। सुमती का घर समाशील संतोष दया धीरज आनंद उत्साह प्रेम उल्लास, ये सुमती का घर है। जब सुमती आती है मन को या मन सुमती की वृत्ति में रहता है, वृत्ति रूपी घर में रहता है, तब क्या होता है,
सुमति सारे कचरे को दूर कर देती है। जैसे आपके घर में झाड़ू लगाने से घर साफ स्वच्छ हो जाता है, कचरा बाहर हो जाता है, ऐसे हमारे मन में अगर सुमति आ गई तो कचरा दूर हो जाता है। सुमति बुहारी करके लेना, कुमती कचरा बाहर कीना। जो कुमती बैठी है, जो हम कुमती के स्वभाव में बैठे हैं, स्वभाव वृत्ति रूपी घर में बैठे हैं, तो कबीर साहब कहते हैं कुमती का घर जला दो, कुमती का घर जला दो। अपना घर मत जलाना, वो बहुत मुश्किल से बनता है, पर ये घर जलाना। कुमती का घर जलाओ, काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, तब लग मूर्ख पंडिता दोनों एक समान। कामी क्रोधी लालची यहां से भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। कुमती रूपी घर को चलाया, हम घर जा लिया अपना, पहले मैंने जला दिया। साहेब कहते हैं मैंने तो उस घर को खत्म कर दिया, जिस घर में इस जीव को शांति कभी नहीं मिल सकती। काम क्रोध के घर में कहां शांति। मैं घर जलाया अपना, लिया मुराड़ा हाथ। पुरानी भाषा में अभी हम मारवाड़ी में काट शस्त्र काटने के अनेक नाम दिए, पर जो लकड़ी काटने का कुलाड़ी भी कहते हैं, मुराड़ा भी कहते हैं, और इधर कवाड़िया भी कहते हैं। तो लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जाड़ो और का जो चले हमारे साथ। अगर हमारा कोई संग कर ले, हमारा कोई साथ कर ले, तो उसे काम क्रोध लोभ अहंकार काल से छुड़ा सकते हैं, उनको भी निर्बंध कर सकते हैं, मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो हम घर जाड़ा और का लिया मुराड़ा हाथ, अपना भी जाड़ा और भी कोई शरण में आए तो उसका भी जला सकते हैं। हम भी सुखी हुए और को सुखी करने के लिए निकल चुके हैं। हम सुख सागर अमर लोग को ज्ञान और प्रत्यक्ष रूप में अनुभव किए देखें, और जो कोई हमारे साथ चले तो हम उन्हें दिखा सकते हैं। पर साथ चलने का ये अर्थ नहीं हो जाता, जैसे हम पति के साथ जाते हैं, भाई के साथ जाते हैं, या हम कहीं इधर उधर जाते हैं, ऐसे साथ चलो, उसका अर्थ ये नहीं है। साथ चलने का अर्थ यह है, जब जब सत्संग होती है तो ठहर जाओ, सत्संग में बैठो, और सत्संग में जो ज्ञान दिया जाता है उस पे चलने की कोशिश करो। जो सत्संग में जो गुण बताए जाएंगे, जो ज्ञान गुण की वार्ता बताई जाएगी, उस ज्ञान गुणों को धारण करो। चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाई, यहाँ जो बुद्धि बताई जाएगी उस सुमति को, उस बुद्धि को धारण करो। यही साथ में चलना है, और कोई साथ में चलने की जरूरत नहीं। शरीर से हम सदा साथ नहीं रह सकते, ना गुरु रह सकते, ना शिष्य रह सकता, इसलिए विचारों से साथ में चलो। जैसा हम आपको विचार देते हैं उसे ग्रहण करो, सुनो, समझो, अच्छा लगे तो उससे करो। तो चलो हमारे साथ, तो चलो हमारे साथ। बहुत सतगुरु भी कहते हैं, गुरु महाराज भी ऐसा बोलते हैं कि हमारे साथ चलो।